हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लासिक के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी बैक टेस्ट में एक और मंथ का बैक टेस्टिंग आज हम करेंगे। लास्ट हमने जून का बैक टेस्ट किया था, आज मैं मार्च मंथ का बैक टेस्ट करूँगा। फरवरी को 24 फरवरी को फरवरी का लास्ट डेट था एक्सपायरी का। 25th को हम मॉर्निंग में 10 बजे के करीब बैंक निफ्टी में आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे। जो स्पॉट चल रहा है वो है 36,400, तो हम 36,400 के कॉल और पुट को सेल कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है 1175 और 1235, नियर अबाउट 2400, तो हम 2400 दूर जाके 38,800 का कॉल बाई कर लेते हैं और डाउन साइड में 34,000 का हम पुट बाई कर लेते हैं। जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ 45,000 है और मैक्सिमम लॉस 20,000 का है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। जो हमारा फर्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट रहेगा वो हम 500 पॉइंट्स के मूवमेंट किसी भी साइड आएगी तब हम हमारे इस ब्रेक इवन को बाई कर लेंगे। 34,800 और 38,000 को बाई करेंगे। दो दो घंटे से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही 500 पॉइंट्स की मूवमेंट आएगी तो हम हमारे ब्रेक इवन को बाई करेंगे। ठीक है, अभी मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। अभी आप देखिए मार्केट आ चुका है 35,900, तो नियर अबाउट हमारे ब्रेक इवन के पास पहुंच चुका है। 500 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, तो हम यहां पर हमारे ब्रेक इवन 34,800 को बाई कर लेते हैं और अपसाइड में 38,000 को बाई कर लेते हैं। तो हमने दोनों को बाई कर लिया है और जो हमारे पहले के हेजिस थे बाय, उन दोनों को हम एग्जिट कर लेते हैं। अभी हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है, हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो है 8,700 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट है 31,000। P&L हमारा देखिए 400 रुपये हम माइनस में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट तभी होगा जब हमारे ब्रेक इवन ब्रिज करेगा मार्केट, तभी हम एडजस्टमेंट करेंगे और हमारे इस ब्रेक इवन को हम बाय कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे ही देखिए मार्केट ने हमारे ब्रेक इवन के पास मार्केट पहुंच चुका है 35,182, तो हम हमारे ब्रेक इवन को बाई कर लेते हैं। 35,200 को का पुट हम बाई कर लेते हैं और 37,600 का कॉल हमने बाय कर लिया है। तो हमने दोनों ब्रेक इवन को बाई कर लिया है और जो हमारे पहले के हेजिंग जो बाय थे ये हेज को हमने एग्जिट कर लिया है। अभी देखिए हमारा मैक्सिमम लॉस 5,500 रुपये का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 24,000 का है और अभी हमारा 2,000 का लॉस चल रहा है। कोई इशू नहीं फ्रेंड्स, अब हमारा जो मार्केट है वो हमारे रेड जोन में आ चुका है, तो हमें ऑपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट करनी है। तो हम 10 डेल्टा पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हमें 20 डेल्टा तक के ही प्राइस शो हो रहे हैं, तो हम 20 डेल्टा का एक लॉट सेल करेंगे। वैसे बेसिकली हमें 10 डेल्टा के 2 लॉट सेल करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है, तो हम सिमुलेशन के लिए 20 डेल्टा का एक लॉट सेल करेंगे जो हमें 325 रुपये में मिल रहा है। अगर 10 डेल्टा आप 2 लॉट करते हैं तो वो भी नियर अबाउट इतना ही प्रीमियम मिलता, क्योंकि 10 डेल्टा आपको 150 के आसपास मिल जाता। तो इसका एक लॉट हमने सेल कर दिया है। तो अभी चलते हैं, इसका स्टॉप लॉस रहेगा डबल। ठीक है, तो 327 × 2 कर लीजिए, नियर अबाउट 650 रुपये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। चलते एक दिन से आगे बढ़ते हैं। मार्केट देखिए उसी रेंज में घूम रहा है, 35,000 की रेंज में है मार्केट। मार्केट डाउन चला गया 34,000। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट और डाउन चला गया, 2,000 पॉइंट डाउन चला गया है। अभी आप देखिए जो हमारा सेलिंग पोजीशन थी वो 100 रुपये पे आ चुका है। जैसे वो 50 रुपीज़ के करीब पहुँचेगा तो हम उसमें से एग्ज़िट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट अभी भी उसी रेंज में है 32,200 के करीब, फिर से रिवर्स आता हुआ 33,000। साथ साथ आप हमारा प्रॉफिट भी देखते रहिए, 5,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है और हमारा अभी जो सेलिंग पोजीशन है वो भी हमें कोई पैनिक नहीं दे रहा है, 178 रुपीज़ पे वो ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट डे चलते हैं, मार्केट 34,000 से 35,000 के बीच में मार्केट ट्रैवल कर रहा है। जो प्रॉफिट है वो भी हमारा 3,000 से 5,000 के बीच में घूम रहा है। 5,600 का प्रॉफिट है, 35,600 तक मार्केट आ चुका है। जो हमारा सेलिंग है वो 175 पे बचा हुआ है, कोई इशू नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं।
अभी देखिए हमारे स्ट्रेडल पॉइंट के पास में मार्केट पहुंच चुका है, जहां पर हमने आयरन फ्लैग क्रिएट किया था। अभी ये 327 का सेल किया हुआ 218 रुपये पर है, अभी भी हमें कोई पैनिक नहीं है और जो हमारा प्रॉफिट है वो 5000 चल रहा है। नेक्स्ट डे चलते हैं, ऑलरेडी 21 डे मतलब 10 दिन और बचे हुए हैं एक्सपायरी के, तो हमें थीटा डीके का भी बेनिफिट मिलेगा। अभी देखिए 7000 के करीब हमारा प्रॉफिट पहुँच चुका है। नेक्स्ट डे मार्केट उसी रेंज में है 8000 का प्रॉफिट, और नेक्स्ट डे चलते हैं अभी भी 8000 का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट एक हमारे स्ट्रेडल के पास में खड़ा है, 121 पे हमारा सेलिंग किया हुआ अभी भी ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए 10000 प्रॉफिट हमारा हो चुका है 24 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम हमारे टारगेट को हिट करते हुए चाहे तो हम प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। अभी ये भी 55 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें से हम अभी एग्जिट नहीं करेंगे। सेफ ट्रेडर है वो, यहाँ से 10000 का प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिमुलेशन के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट डे के लिए 25 को 10000 का प्रॉफिट अभी भी बना हुआ है, और जो सेलिंग किया हुआ है उसकी पोजीशन देखिए 21 रुपये पर आ चुका है, तो इसमें से हम एग्ज़िट हो जाते हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा सेलिंग एग्ज़िट हो चुके हैं, ट्रेड अभी हमारा फ्री हो चुका है, 2200 रुपये का प्रॉफिट हमें दोनों तरफ है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 32000 रुपये है। तो फ्रेंड्स अभी मैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हेजिंग जो कर रखी है अपने दोनों तरफ उसको अंदर खींच के आप अपने दोनों साइड के प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, और 10000 आपको अभी मिल रहा है तो अभी भी आप बुक कर सकते हो। नेक्स्ट डे चलता हूँ, देखिए मंडे को मार्केट ओपन हुआ है 9000 रुपये प्रॉफिट, अभी देखिए मार्केट 14000 का प्रॉफिट हो रहा है। 30 तारीख को देखिए मार्केट एग्जिट हमारे स्ट्रेडल के पास है, ठीक है, तो हमें 20000 का प्रॉफिट हो रहा है। 31 को चलते हैं, मार्केट अभी भी उसी पॉइंट के करीब है, 26000 का प्रॉफिट हो रहा है, और 2 घंटे से आगे बढ़ता हूँ 27000 का प्रॉफिट हो रहा है आधे घंटे से। मार्केट 36400 के करीब है, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, 3:15 हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी आप देखिए हमें 31000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, और मार्केट हमारे एग्जिट स्ट्रेडल के पास ही एक्सपायर हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ ये स्ट्रेडल के पास एक्सपायर हो, लेकिन फ्रेंड्स देखिए हमने हमारे ट्रेड को पूरा लॉस फ्री बना दिया था, इसलिए हम इस पोजीशन के लिए वेट कर सके। हमारा टारगेट 10000 रहता है, अगर 10th के 15 या 20 भी हमें मिल जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी कि हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑप्शन क्लास ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप यहाँ बैनर से भी लिंक ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिल जाएगी। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।